बॉलीवुड फिल्मों के बायकॉट के बाद भारत के प्रधानमंत्री और उनकी टीम लेकर आई है बॉयकॉट डॉक्यूमेंट्री। जी हां, आजकल भारत में फिल्मों का बायकॉट तो आम सी बात हो गई है, रोज रोज के फिल्मी बायकॉट से लोग अब थोड़ा बोर भी हो गए हैं। शायद इसीलिए अब डॉक्यूमेंट्रीज का भी बायकॉट होने लगा है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का। ताजा मामला ये है कि 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को मोदी सरकार ने बैन कर दिया है। भारत में बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री अब नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि मोदी सरकार का कहना है कि इससे पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कथित तौर पर बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया है। बीबीसी ने अलग अलग मोर्चों पर पड़ताल, बयानों, सबूतों और तथ्यों के आधार पर यह दावा किया है कि गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, यही वो शब्द है जिसने भारत की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की ये डॉक्यूमेंट्री अभी भारत में अवेलेबल नहीं है, इसे YouTube, Facebook और Twitter वगैरह पर बैन किया जा चुका है। आप भारत में रहते हैं तो इसे नहीं देख सकते। हाँ, ब्रिटेन में इस डॉक्यूमेंट्री को या दुनिया के अलग हिस्सों में इसे देखा जा सकता है। अभी इसका पहला पार्ट ही रिलीज हुआ है और दूसरा हिस्सा आना बाकी है, लेकिन पहले ही पार्ट से मोदी सरकार ने बीबीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे बैन कर दिया है। बीबीसी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है वो 2002 के गुजरात दंगों के बाद ब्रिटेन की सरकार ने तैयार की थी, लेकिन उसे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा गया, उसे कभी रिलीज नहीं किया गया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, उसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्री रहे जैक स्ट्रो का बयान भी इस डॉक्यूमेंट्री में है। उनका वीडियो बयान है जहां वो कैमरे के सामने ये स्वीकार कर रहे हैं कि गुजरात दंगों की भीषणता को देखते हुए उन्होंने ये जांच कमेटी बिठाई थी, जिसमें उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी की भूमिका भी साबित हुई थी कि उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रहा था। इस डॉक्यूमेंट्री ने फिर एक बार गुजरात दंगों के जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि भारत में तो गुजरात दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी को कभी कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उनका कद बढ़ता ही गया और वो गुजरात के मुख्यमंत्री से सीधे देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए, और वो भी दो दो बार। लेकिन दुनिया भर में इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से पीएम मोदी की छवि पर जरूर असर पड़ रहा है। मनु मीडिया के लोग नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर की तरह पेश करते हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री ने नरेंद्र मोदी की पूरी शख्सियत पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में कार सेवकों की ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 69 लोग मारे गए थे। इसके बाद भड़के हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। सरकार ने संसद में 2005 में ये बताया था कि 790 मुस्लिम और 254 हिंदू दंगों में मारे गए थे। 223 लोगों का कभी पता नहीं चल सका, वो लापता थे, जबकि 2500 से ज्यादा लोग इन दंगों में घायल हुए थे। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगे थे। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर ये कत्लेआम कराया और दंगे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बीबीसी ने जांच रिपोर्ट में शामिल ब्रिटिश डिप्लोमेट के हवाले से दावा किया है कि जांच रिपोर्ट में ये बताया गया था कि गुजरात में जो हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन बिना सरकार के संरक्षण के इतना नुकसान नहीं कर सकते थे। ये आरोप नए नहीं है, आरोप दंगों के वक्त से ही लगते रहे हैं और मोदी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनकर उभरते रहे हैं। ये आरोप चलते रहे और उनका कद बड़ा होता रहा। वो गुजरात से दिल्ली पहुंच गए प्रधानमंत्री बन गए, आरोप आरोप ही रहे, कभी किसी अदालत में साबित नहीं हुए। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है, यानी भारत के जुडिशियल सिस्टम के मुताबिक नरेंद्र मोदी बेगुनाह है और उन्होंने गुजरात दंगे कराए ही नहीं थे। लेकिन जनता की अदालत में जाकिया जाफरी जैसे गुजरात दंगा पीड़ित हमेशा पीएम मोदी को गुनहगार बताते रहे हैं। हालांकि जनता की अदालत चुनाव में पीएम मोदी के हक में फैसला सुनाती आ रही है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री ने इंटरनेशनल लेवल पर फिर से पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीबीसी ने बताया कि सरकार के डर से 30 से ज्यादा लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया। मोदी सरकार से भी जब इस पर पक्ष मांगा गया था, आरोपों पर पक्ष मांगा गया था, तब सरकार ने कमेंट करने से मना कर दिया था। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो सरकार ने बीबीसी पर एजेंडा चलाने और भारत को बदनाम करने का आरोप लगा दिया।
बीबीसी की रिपोर्ट पर सिर्फ भारत में ही हल्ला नहीं हो रहा बल्कि ब्रिटेन की संसद में भी इस पर खूब हंगामा हो रहा है। जब एक सांसद ने डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई खुफिया ब्रिटिश रिपोर्ट का हवाला देकर भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जवाब मांगा तो ऋषि सुनक ने बेहद डिप्लोमेटिक जवाब दिया। मिस्टर स्पीकर, लास्ट नाइट द बीबीसी रिवील्ड द फॉरेन ऑफिस knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here, in the UK are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the Honourable Gentleman has put forward. That completes Prime Minister's questions. I'll just let them... अब दुनिया भर में फिर से ये सवाल पूछा जाने लगा है लेकिन भारत में ये सवाल पूछने की मनाही है। मोदी सरकार ने ना सिर्फ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है बल्कि इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में किए जा रहे ट्वीट को भी हटाने का आदेश दिया है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है लेकिन सरकार और बीजेपी नरेंद्र मोदी के बचाव में नई नई दलीलें दे रही है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में इंटरनेट एक ऐसा तहखाना है जहां सरकार भी हर जगह नहीं घुस सकती। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे चैनलों के जरिए डॉक्यूमेंट्री छोटी छोटी क्लिप्स में ही सही लोगों के फोन तक में घूम रही है और अब सरकार को ये डर सता रहा है कि इससे कहीं नरेंद्र मोदी की और बदनामी ना हो जाए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से इस मसले को समझने में आसानी हुई होगी। हो सकता है कि सरकार हमारी इस वीडियो को भी सोशल मीडिया से हटवा दे, इसलिए इसे बाकी लोगों के साथ समय रहते शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। आपसे अपील है हमारी ताकत बढ़ाएं, हमारा साथ दें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।